वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है हर्षित गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जीके एंड जीएस में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रमुख देशों के स्पेस एजेंसीज के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला कंट्री है हमारा चाइना। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और जिसे हम शॉर्ट में CNSA कहते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। अच्छा देखिए CNSA की बात हुई है तो CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के करेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है तो है झांग केजियन। ये जो इमेज है ये है झांग केजियन की। नेक्स्ट है हमारा जापान। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसे हम शॉर्ट में जाक्सा नाम से जानते हैं और इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में। अगली कंट्री है हमारी रसिया। रसिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी जिसे हम शॉर्ट में रॉसकॉस्मोस नाम से जानते हैं। एग्जाम में मेनली रॉसकॉस्मोस नाम देकर ही पूछता है, अगर फुल नेम दिया तो भी आप रसिया ही लगाएंगे, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉस्को में। देखिए जो रॉसकॉस्मोस है उसके करेंट टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है तो वो है दमित्री रोगोजिन। कौन? दमित्री रोगोजिन। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इसराइल। इसराइल का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इजरायली स्पेस एजेंसी। काफ़ी सिंपल नाम है जिसे शॉर्ट में हम ISA कहते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है तेल अबीब में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम शॉर्ट में CSIRO कहते हैं और इसका हेडक्वार्टर है कैनबेरा में। अगला है हमारा फ्रांस। फ्रांस का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस रिसर्च जिसका शॉर्ट में हम CNES कहते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। नेक्स्ट है हमारा यूके। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इसकी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है यूके स्पेस एजेंसी। क्या नाम है? यूके स्पेस एजेंसी जिसे हम शॉर्ट में UKSA कहते हैं और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है स्विंडन विल्टशायर। ये इंग्लैंड का एक शहर है और यहीं पर इसकी हेडक्वार्टर है। किसका? यूके स्पेस एजेंसी का। अगला है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है, USA। USA की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम आप सब जानते हैं वो है नासा। नासा का जो फुल फॉर्म है वो अक्सर एग्जाम में पूछता तो वो याद रखिए। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में और इसके करेंट टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं जिम ब्रिडनिस्टिन। कौन? जिम ब्रिडनिस्टिन। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कोरिया। अगली कंट्री जो है हमारी वो है कौन सी? कोरिया। कोरिया का जो स्पेस एजेंसी है वो है कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो साउथ कोरिया की हमारी स्पेस एजेंसी है उसका नाम है कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हम शॉर्ट में करी कहते हैं KARI और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है डाइजियन में। कहाँ पे? डाइजियन में। नेक्स्ट है हमारा ब्राज़ील। ब्राज़ील को जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है ब्राज़ीलियन स्पेस एजेंसी, शॉर्ट में इसे हम AEB कहते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्राज़ीलिया। देखिए नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है सुपारको, शॉर्ट में इसे हम पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमोसफियर रिसर्च कमीशन कहते हैं जिसका हेडक्वार्टर है कराची में। अगला है हमारा ईरान। ईरान की जो स्पेस एजेंसी है वो है ईरानियन स्पेस एजेंसी जिसे शॉर्ट में हम ISA कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है तेहरान में। देखिए अगला है हमारा मलेशिया। मलेशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है मलेशियन नेशनल स्पेस एजेंसी, शॉर्ट में इसे हम अंगकासा कहते हैं। अच्छा देखिए आप कई जगह इस वीडियो में नोटिस कर रहे होंगे कि जो एक्रोनिम दिया है यानी शॉर्ट फॉर्म दिया है स्पेस एजेंसी का वो फुल फॉर्म से पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो भी कंट्री अपनी स्पेस एजेंसी रखती है वहाँ की जो सबसे प्रचलित लैंग्वेज उसमें रखती है, वहाँ की जो लैंग्वेज उसमें रखती हैं तो जो शॉर्ट फॉर्म बनती है उसकी वो वहीं की लैंग्वेज में बनती है और वो जो लैंग्वेज होता है अलग अलग कंट्रीज़ का वो टफ होता है किसी भी और कंट्री के लोगों के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हम उसका इंग्लिश में ही नाम कहीं हर जगह पूछता है। अब देखिए जो अंगकासा है अगर हम मलेशिया की लैंग्वेज में बात करें तो इसका मलेशिया की लैंग्वेज क्या नाम होगा? एंगेसी अंगकासा निगारा, यह इसका मलेशिया के लैंग्वेज में नाम होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया है और इंग्लिश में हम मलेशियन नेशनल स्पेस एजेंसी कहते हैं और इंग्लिश में ही पूछता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बैंटिंग में। नेक्स्ट है हमारा कनाडा।
कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है वो है कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है लॉन्गिक्विल क्यूबेक में, ठीक है, उसके शॉर्ट में हम CSA कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंट्री है हमारी जर्मनी। जर्मनी की जो स्पेस एजेंसी है वो है जर्मन एरो स्पेस सेंटर, शॉर्ट में इसे हम DLR कहते हैं। देखिए ये DLR भी जो है वो भी वहाँ की कुछ और लैंग्वेज होगी, ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलोगन कोल में, या कोल जो वहाँ का शहर है, वहाँ का एक कोलोगन नाम का शहर है, वहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर है। अच्छा बात आई DLR की, तो इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो है पास्केल एरेन फ्रेंड। कौन? पास्केल एरेन फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, अगली कंट्री है हमारी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड स्पेस। क्या नाम है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसे हम कहते हैं लापान, LAPAN, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। देखिए अगला है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का स्पेस एजेंसी। इसको मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि इसके बारे में हमें डिटेल काफ़ी ज़्यादा जाननी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसको लास्ट में रखा है। देखिए इंडिया की जो हमारी स्पेस एजेंसी है वो है इसरो, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस ये नहीं पूछता क्योंकि ये जानता है सब कोई, ये सब कोई जानता है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है इसरो। इसके डीप के यानी अंदर के क्वेश्चन पूछते हैं इसरो से रिलेटेड, तो क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो हमारी स्पेस एजेंसी इसरो है उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फुल फॉर्म है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है कर्नाटका के बैंगलोर में। कहाँ पे? बैंगलोर में। इसरो के जो फाउंडर हैं वो कौन है? वो हैं विक्रम साराभाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, कौन है? विक्रम साराभाई। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को, लगभग लगभग 50 साल हो चुके हैं इसरो को फाउंड हुए। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डायरेक्टर कौन है? तो ये हैं KSIVAN। KSIVAN का नाम अपने जब चंद्रयान 2 जब गया था हमारा स्पेस में चंद्रमा पे, तब उस आपने KSIVAN का नाम बहुत सुना होगा, तो यही इसके एडमिनिस्ट्रेटर और डायरेक्टर हैं करेंट में। और क्वेश्चन क्या पूछता है? और क्वेश्चन ये पूछता है कि इसरो का एनुअल बजट कितना जाता है? तो यह आता है $1.9 बिलियन। ये चीज़ याद देख रखिएगा, कितना? $1.9 बिलियन। और इसरो की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? तो यह है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। ये था इसरो के बारे में पूरी जानकारी। ओके सो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है स्पेस एजेंसी वाला। उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।